नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा में जारी विवादित बयानों की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, शैतान, ब्रह्म पिशाच, धृतराष्ट्र, नरभक्षी, जो इस तरह के बयान चल रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, ये क्या साबित करते हैं? ये यही साबित करते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है सुधर नहीं सकती है, और हिंदुस्तान की राजनीति में आप विकास के और दूसरे अन्य मुद्दों को जितना भी सामने लाने की कोशिश करें, दरअसल ये निजी संघर्ष का मसला बनकर रह जाता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कहां तो बिहार में इस बात पर बात होनी चाहिए थी कि पिछले 10 सालों में बिहार को क्या हासिल हुआ है, क्या बिहार जो है वो नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन वाली जब सरकार थी उन शुरुआती सालों में अच्छा रहा, या केवल नीतीश कुमार ने अभी हालिया जो लगभग 1-1.5 साल सरकार चलाई है उसमें ज्यादा अच्छा रहा, तो जीतन राम मांझी आए थे उसमें क्या फर्क पड़ा। बिहार में मुंगेर के पास ऐसा पुल बन रहा है जो पिछले 10 साल से बन ही रहा है और लोगों को अभी भी नाव पर बैठकर गंगा पार करनी पड़ती है, और बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह पर हैं जहां पर बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है। नीतीश लाख कह रहे हैं कि बिजली पहुंच जाएगी 2016 तक, लेकिन अभी स्थिति यह है कि बिहार के गाँवों में जब ट्रांसफार्मर लगता है तो वो ट्रांसफार्मर आने की जो है वो जश्न मनाया जाता है और गांव के लोग मिलकर उस ट्रांसफार्मर की पूजा करते हैं। तो हम ऐसे बिहार की बात करने की बजाय हम दरअसल गाय के मांस को, नरभक्षी को, राक्षस को, पिशाच को, जंगल राज को मुद्दा बना रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में एक समय ऐसा रहा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री रहे तब ऐसा समय रहा था कि जब शाम को 6-7 बजे के बाद आप बिहार के किसी भी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो उससे आगे अपने गांव या घर तक जाने के लिए आप अगली सुबह तक इंतजार करेंगे, नहीं तो रास्ते में आपको लूट लिया जाएगा। बारातें रात में इसलिए नहीं निकलती थी कि उनको लूट लिया जाएगा। वहां से चलकर बिहार जब यहां पहुंचा है कि वो स्थिति नहीं रही है, तो वो क्या केवल नीतीश कुमार की वजह से हुआ या नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने मिलकर किया था, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत अहम की लड़ाई को बिहार के प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा क्यों बना दिया गया कि बिहार की जनता उसके बीच में पिस रही है? ऐसा क्या कारण था कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा के आड़े बिहार का विकास आ गया? क्या जरूरी था कि नीतीश कुमार जो है, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना ही दिया गया था तो क्यों वो उस वक्त एनडीए के साथ नहीं बने रहकर, क्योंकि वो अपनी जगह मुख्यमंत्री बने हुए थे, एनडीए के साथ बिहार में गठबंधन कायम रह सकता था। देखिए, शिवसेना भी कई राष्ट्रीय मसलों पर लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन देती है। शिवसेना कहती है कि गुलाम अली का गाना नहीं होना चाहिए लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोग करती है वो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम गुलाम अली आएंगे तो उनको पूरी सुरक्षा देंगे। तो क्या सिद्धांतों के और मुद्दों के आधार पर अलग अलग बातों को तय करके नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में बने रहकर, एनडीए के साथ गठबंधन सरकार बिहार में चलाकर बिहार को विकास के तेज रास्ते पर नहीं ले जा सकते थे? ये सही है कि उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी भारी जीत एनडीए की केंद्र में होगी, लेकिन आप उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब बिहार में एनडीए और नीतीश कुमार की जेडीयू की सरकार बनी रहती और केंद्र में भी इतनी भारी बहुमत से इसी तरीके से एनडीए की सरकार आती, तो क्या बिहार को इसका लाभ नहीं मिलता? जिस बिहार में आज जाकर पैकेजों की घोषणा इस तरीके से हो रही है जैसे पैसा लुटाया जा रहा हो, उस बिहार को मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर विकास की दरकार है और वो मिल पाता। और ये अफसोस की बात है कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोगों को रोजगार ढूंढने के लिए दिल्ली, बंबई और दूसरे महानगरों का रुख करना पड़ता है। वहां का युवा वहीं रहकर, जो होनहार युवा है आईएएस आईपीएस आसानी से क्लियर करता है अपनी मेहनत के जरिए, वो वहीं रहकर अपने समाज की दूसरे तरीकों से सेवा क्यों नहीं कर सकता? उद्योग धंधे इतनी तेजी से बिहार में फल फूल क्यों नहीं पाए? जो कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है तो उसको स्थानीय स्तर पर क्या दिक्कतें आती हैं? वो सब दिक्कतों को समझने की बजाय, उन पर बात होने की बजाय जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके आधार पर चुनाव को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? ऐसा नहीं लगता कि हमारे नेता ये चाहते ही नहीं है कि विकास के मुद्दों पर बातचीत हो? अब ये क्यों चाहते हैं और नेता चाहते हैं या कोई और चाहता है ये तो तय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सही बात है कि शुरुआत में जब चुनाव की गर्मी जोर पकड़ती है तो कहा जाता है कि विकास के अलावा कोई और बात नहीं होगी, लेकिन वो अपने अपने सर्वे करवाते हैं, कुछ दूसरे बाहर से सर्वे भी सामने आते हैं जो कि अभी आए हैं, और उन सब सर्वे के नतीजों से अंदरूनी उनके पास जो रिपोर्ट्स आती है उनके आधार पर जो खबरें आती है, मुझे लगता है उससे बौखला कर फिर नेता जीतने के लिए हर तरीके से कुछ भी करने पर आमदा हो जाते हैं। आप देखिए, दिल्ली का चुनाव भी विकास के मुद्दे पर कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो भाग चुके हैं, विकास नहीं कर पाएंगे, हम विकास करेंगे, वहां से शुरू हुआ, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल पर निजी आक्रमण फिर की तरफ पलट गया।
पहले आपने वहां मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया दिल्ली में, फिर अचानक किरण बेदी को उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि आपने देखा कि केजरीवाल की सभाओं में भीड़ हो रही थी, आपकी सभाओं में उतनी भीड़ नहीं हो पा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर आप दूसरे रास्ते अपनाने लगते हैं। ऐसे ही नीतीश कुमार ने पहले अपने विकास के मुद्दों को सामने रखा था, लेकिन जब उनके सामने कई तरीकों से ये खबर सामने आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जीतन मांझी को लेकर पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है, रामविलास पासवान का सहयोग है तो निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा, तो उससे बौखलाकर उन्होंने व्यक्तिगत हमले किए। लालू प्रसाद यादव तो खैर विकास की बात कर ही नहीं सकते हैं, उन्होंने अपने अंदाज में अपने तरीके से अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग गलत सलत बयान देना शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो कट्टरपंथी नेता हैं गिरिराज सिंह जैसे, उन्होंने अपने तरीके से उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए। इस बीच दादरी का कांड हो गया, उस पर भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत राजनीतिक रोटियां सेकी गई, तो मुझे लगता है इन सब में बिहार कहीं हाशिए पर चला गया है और ये सारे मुद्दे मुख्य धारा में आ गए। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को कितना भरोसेमंद मानते हैं, क्योंकि कोई एनडीए को आगे बता रहा है, कोई महागठबंधन को? देखिए ये भी है कि कोई भी पंडित आज तक भारतीय चुनावों का उस तरीके से आकलन नहीं कर पाया कि जो बिल्कुल सटीक बैठे। लोकसभा चुनावों की बात करें तो एक चाणक्य का सर्वे था जो करीबन 275-270 पर उस वक्त हंसा गया था उस सर्वे पर, लेकिन वो आई पर एक सर्वे तो था। इसी तरीके से दिल्ली के चुनावों में एक सर्वे था जिसने ये बताने की, एक्सिस का सर्वे था जिसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो 60 के ऊपर सीटें हासिल कर सकती है, तो कहीं ना कहीं से तो कोई तथ्य सामने आया होगा। अब ये तुक्का था या संयोग से आप उन्हीं लोगों से, क्योंकि ये देखिए एक एक सीमित लोगों के से बातचीत के आधार पर सर्वेक्षण होता है, लेकिन आप उसको पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत दोनों ही मान, पर आपको एक थोड़ा जायजा लेना तो होता है और उसका इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिकतर ये जो सर्वे हैं ये हिंदुस्तान में टेलीविजन चैनल दिखाते हैं, वो टेलीविजन चैनल जो 5000 घरों में लगे टीआरपी मीटर के आधार पर करोड़ों अरबों का व्यवसाय करते हैं, तो जो केवल 5000 लोगों घरों में लगे हुए टीआरपी मीटर के आधार पर यह तय कर लेते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग क्या देख रहे हैं, तो वो फिर ये 15000 और 20000 लोगों से की गई बातचीत के आधार पर यह तय करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे कि आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। चुनाव परिणाम के बाद की अगर अब हम बात करें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत अहम चुनाव है दोनों के लिए। देखिए दिल्ली का चुनाव जो जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी के लिए एक बहुत करारी हार है, लेकिन उसको केवल ये मान लिया गया था कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प बन के उभरी थी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का विकल्प बन सकती थी। इसके पहले जो चुनाव था जिसके बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर चले गए थे, उस चुनाव से कुछ सबक लेकर उन्होंने मेहनत की और दिल्ली की जनता ने उन्हें माफ किया, तो उसको अपवाद माना जा सकता है। लेकिन अगर यही किस्सा बिहार में दोहरा दिया गया तो उसको अपवाद न मानकर ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवालिया निशान होगा। और जो पार्टी के भीतर से ये लगातार बात आ रही है कि ये जो त्रिमूर्ति है नरेंद्र मोदी अमित शाह और अरुण जेटली जी की, यही सारे निर्णय लेती है और किसी को इन निर्णयों में शामिल नहीं किया जा सकता, तो जब तक आप जीत रहे हैं तब तक तो आप अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो वो बात बहुत बड़ी नहीं होगी, विरोध बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप बिहार हार जाते हैं तो ये बात बहुत बड़ी होगी, हाशिए पे पड़े हुए नेताओं की आवाज मुखर होगी, मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व को चुनौतियां दी जाने लगेंगी और निश्चित तौर पर यहां से आगे भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह की खास तौर पर राह बहुत कठिन होगी। भाजपा अध्यक्ष के रूप में जो सफलता उन्होंने हासिल की, जो वाहवाही उन्होंने हासिल की, जो स्ट्रेटेजी मैन रणनीतिकार के रूप में जो उन्होंने लगातार खूब दाद बटोरी, उस पर सवाल या निशान लगेंगे और ये माना जाएगा कि उनका विजय रथ अब इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अधिक लोगों को शामिल करते हुए किसी और ऐसे नेतृत्व को ढूंढना होगा जो इस जीत को लगातार हर जगह दोहरा सके। वहीं अगर हम बात नीतीश कुमार की करें तो जो चुनौती उन्होंने उस वक्त उठाई थी नरेंद्र मोदी का विरोध करके एनडीए से अलग होकर, अब उस चुनौती का दरअसल जवाब देने का वक्त आ गया है। एक तो उन्होंने गलती की थी उस वक्त कि उन्होंने पद भी छोड़ दिया था, वो भावनाओं में बह गए वो खुद ही कह रहे हैं, लेकिन पद छोड़ने के बाद जीतन मांझी जो आए वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से गलबैयां करने लगे, उनको हटाना उनके लिए मुश्किल हो गया, उनको समझ में आ गया कि आज के जमाने में ऐसे भरत नहीं मिलते जो पादुका पूछते ना और वनवास से आपके आने का इंतजार करें, जब वो वनवास से लौटने की कोशिश करने लगे तो उनकी खुद की कुर्सी उनको खतरे में पड़ी हुई नजर आई। अब ये जो चुनाव है ये नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उनके राजनीतिक भविष्य का प्रश्न है। अगर ये चुनाव नीतीश कुमार हार जाते हैं निश्चित तौर पर बिहार और देश की राजनीति में वो हाशिए पर पड़े हुए नजर आएंगे और उनको समझ में आएगा कि जो नरेंद्र मोदी से उन्होंने लड़ाई मोल ली थी उसका अब नतीजा उनको न केवल लोकसभा में भुगतना पड़ा है बल्कि विधानसभा में और आगे जनता दल के यूनाइटेड के उन्होंने राजनीतिक भविष्य पर को भी दांव पर लगा दिया है। अगर वो जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से आगे की यात्रा में वो एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे,
और उसमें कोशिश उनकी लगातार ये होगी कि वो जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व में दखल रखने की आकांक्षा रखते हैं उसको भी इस जीत के बाद पूरा कर पाएं। इसीलिए ये जीत या हार दोनों ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के लिए बहुत अहम है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। धन्यवाद जगदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।